हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम सूत्री क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एक बहुत ही टेस्टी सब्जी। आज हम बनाएंगे पनीर अफगानी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको हमने इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट। इसी के साथ हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हल्दी पाउडर। पैन को भी गर्म कर लिया है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून घी। आप घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं, या आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पनीर जो है इसमें डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने पनीर को 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लिया है, कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमें बस इतना ही फ्राई करना है इसको। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने पनीर को प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून घी को और गर्म कर लिया है सेम पैन में। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ग्रीन चिल्ली। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। इसको हमें इस तरीके से मोटा मोटा रफली चॉप करके लेना है। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, जब तक इससे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी यहाँ पे हमने इसको 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अभी हम अपनी फ्लेम जो ऑफ कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कर्ड। तो अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छे से। ये एकदम स्मूथ पेस्ट बना है हमारा। तो यहाँ अभी हमने पैन को गरम कर लिया है, सेम ही पैन लिया है हमने। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून घी। यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच। यहाँ हम ले रहे हैं 1 मोटी इलायची। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ता। तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पेस्ट। तो अभी हम इसको कंटिन्यूस तरीके से स्टिर करते रहेंगे, जब तक इसमें एक अच्छे से बॉईल ना आ जाए, क्योंकि हमने इसमें कर्ड ऐड किया है। तो यहाँ इसमें बॉईल आ गया है अच्छे से। अभी हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ इसको कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ हमारी ग्रेवी जो अच्छे से कुक हो गई है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो
तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। एक बार इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर। तो यहाँ हमने सब्जी को 1 से 2 मिनट और अच्छे से कुक कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। यहाँ हमारी पनीर अफगानी बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।